जितनी जितना अंधकार होगा मित्रों, रोशनी उतनी तगड़ी होगी। हुआ करे जितना अंधकार है होने दीजिए, रोशनी वहीं से निकलेगी। थोड़ी रोशनी हो, बड़ी रोशनी हो, रोशनी चमकेगी उसके अंदर। और आज सुबह आप मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 18। लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। उत्पत्ति किताब उसका 18वां अध्याय, हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने इसके पहले अभी तक बार बार अपनी प्रतिज्ञा को अपने वचन के द्वारा एस्टैब्लिश किया। फाइनली थियोफेनिक अपीयरेंस, थियोफेनिक एक अलौकिक रूप में परमेश्वर तीन रूप में अब्राहम के पास प्रकट होता है। हमने पिछली बार ये देखा था, पिछले के पिछली बार देखा था, और अब्राहम ने उनकी पहुनाई की। परमेश्वर ने फिर वचन कहा, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने एक लास्ट वचन कहा और कहा कि अब फाइनली अगले साल इसी समय मैं आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। याद है आपको 18वां अध्याय, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये क्यों कर हंसी कि क्या मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये 13वां पद है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। देखिए टाइमिंग जो है वो गॉड सेट करेगा, इसलिए कभी अपने चक्कर मत रहेगा, प्रभु जी अगले मार्च तक हो जाए, अगले अप्रैल तक हो जाए, ये कभी इस चक्कर मत रहेगा। डोंट ट्राई टू फोर्स गॉड, बिकॉज क्या होता है कि शैतान आपके मन में डेट डालता है, आपके मन में एक सीमा बांधता है। नो, टाइम तो गॉड सेट करेगा। अभी तक गॉड ने कहा था मैं तुझे पुत्र दूंगा, तुझे जाति बढ़ाऊंगा और ये करूंगा, फलाऊंगा फुलाऊंगा। आज परमेश्वर टाइमिंग दे रहा है अगले साल वसंत ऋतु। सो लेट गॉड डिसाइड द टाइमिंग इन योर लाइफ। आप कहिए खुदावन हम क्या टाइम देंगे, जिसको खुद टाइम का पता नहीं। अरे चर्च में टाइम से नहीं आ पाते, सोचिए बरसों से चर्च चल रहा है, आज भी लोग पूछते कै बजे का चर्च है। SRS का टाइम सबको मालूम है, तीनों का तीनों टाइम मालूम है, और 15 मिनट भाई उसके लिए लोग गुस्सा हो जाते हैं, तैयार नहीं हुई अभी तक, छूट गई होगी। अरे छूट गई तो फिर रिवाइंड करके देख लो बाबा, इतना बड़ा तोप हो गया, जैसे गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता परिवारों में, और अम्मा लोग तो सुबह ही से तैयार रहती है, आज बेटा जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आमीन। और चर्च के लिए यही नहीं, पूरी दुनिया के यही हाल है। ये मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा, आप इससे कर मत रहिए, मैं यहां किसी को इंडिविजुअल, आई एम जस्ट गिविंग यूर ओवरऑल रिस्पेक्ट दैट वी हैव फॉर द हाउस ऑफ गॉड। ये रिस्पेक्ट है हमारी, वहां जाके 15 मिनट टहलेंगे, 20 मिनट टहलेंगे, अरे अभी अभी क्या 15 ही मिनट तो रह गया चर्च में आने में, अरे अभी 15 मिनट बीत जाने दो तब पहुंचेंगे। मालूम हुआ कि परमेश्वर आया और परमेश्वर चला गया। याद है मैंने पिछली बार आपसे बात किया था कि परमेश्वर का लव यूनिवर्सल है, बहुत बड़ा है, मगर उसके अनुग्रह का दरवाजा बहुत छोटा है, याद रखिएगा। 120 साल तक नूह ने प्रचार किया और 120 साल के बाद जब सब नाव में चले गए तो परमेश्वर ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। अगर परमेश्वर खोलना जानता है तो परमेश्वर बंद भी करना जानता है। सारा खेल आपके वक्त का है। आखिर वो 38 साल से पड़ा हुआ था, वो यही ना कहता था कि जब हिलाया जाता है तो मैं नहीं पहुंच पाता, मैं नहीं जानता हूं कि शुरू में हिलाया जा रहा है, बीच में हिलाया जा रहा है, कब हिलाया जा रहा है। बी देयर टू रिसीव द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। अब आइए उसके सेकंड पार्ट पर हम आते हैं। यहां तक बात हो गई, परमेश्वर ने टाइमिंग दे दिया, अगले साल मैं आऊंगा, ठीक है आशु भाई, अगले साल बसंत ऋतु में आऊंगा और सारा को देखा जाएगा, पुत्र होगा कि नहीं होगा चेक कर लिया जाएगा। नहीं, पुत्र होगा, दैट्स इट। थोड़ा सा मेन वॉल्यूम कम कीजिए, पुत्र होगा। मैं पढ़ दूं क्या, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। 14वां पद, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र देखा जाएगा, सोचा जाएगा, अभी कमेटी बैठेगी उसके लिए। When God has said it, in fact, it's already done. ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका है, खुदा के प्लान में हो चुका है, बस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। खुदा ने कह दिया तो हो गया, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर है।
ये जो अगला साल था बसंत ऋतु में, तो हजार साल में कहां पहुंचता है, तो हो गया था। आगे चलिए, आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट विषय पर यहां पर बात हो गई। अभी तक तो ये बात थी, लेकिन ये क्यों 18वें अध्याय में, हम मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको 19वां अध्याय होना चाहिए था, क्योंकि जो पहला जो पोर्शन था जिसमें तीन पुरुष आते हैं और अब्राहम उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनकी खातिर करता है और फिर वो इतनी बड़ी बात कहकर चले आते हैं, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये पुरुष उठते हैं, 16वां पद, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि खुदावंत की दृष्टि दुष्टों पर नहीं लगी रहती। कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि खुदा हमारे कष्ट को दूर नहीं कर रहा। कई बार सदोम हमारे जीवन में होता है, जो कष्ट है ना, जो पाप है, जो भारीपन है, मैं अभी आ रहा हूं आगे, और हम सोचते हैं परमेश्वर हमें भूल गया, आसमान से हमें कोई आशीष नहीं मिली। ना 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 ना, ना। वो अपनी आशीष के बाद उसकी दृष्टि लगी हुई है, कहां क्या करना है, गॉड नोज इट। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू। लिखा है कि उसके डरवैये अपने उसके उसके दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए बताता है, और एक ऐसा रक्षक है, हे इसराइल सुन, तेरा रक्षक ना कभी ऊँघता है और ना कभी सोता है। उसकी दृष्टि लगी हुई आपके आपके जीवन के सदोम में। मैं नहीं जानता हूं कि किस एरिया में वो सदोम है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका प्रभु आपको देख रहा है, उसकी दृष्टि लगी हुई है। ठीक है, आए हैं, खाए पिए अपना, सारा ने भी बढ़िया उड़िया बनाया, ठीक है सर, अब चले आप। हम लोग चर्च आते हैं ना, ऐसे ही आते, खुदा की आशीष ऐसे ही चाहते, आ गए ना, हो गया ना, अच्छा सर चलते, अब हो गया, आपसे कोई लेना देना नहीं है, अब सोमवार मंगल बुध को आपसे बात ही नहीं, कोई परमेश्वर का। आप पढ़िए आगे क्या लिखा, मैं वहीं आ रहा हूं, सुनिए। और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए, वहीं से उसने विदा कर दिया, बोला हम 12 भैया स्कूल का टाइम हो रहा है, आप निकले, ठीक है, हम तो चल रहे। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे सर, सब काम एक तरफ है, अभी विदाई तो हुई नहीं। मेनी टाइम्स वी फिक्स गॉड, सुनिएगा मेरी बात, सुनते रहिए, हम खुदा को बटन बनाते हैं, बटन ऑन किया खुदा आ जाए, और बटन दबाए खुदा ऑफ हो जाए, बिल्कुल काटा काटा घड़ी घड़ी। याद रखिएगा, हमारा खुदावंत बटन वाला खुदा नहीं है, वो अपनी मर्जी से आएगा और अपनी मर्जी से ही जाएगा। आपको उसकी मर्जी के साथ चलना है तो आप चलिए। यहां परमेश्वर ने नहीं कहा कि अब्राहम मेरे साथ चल, अब्राहम को मालूम था कि अभी कुछ बाकी है। वो दया का सागर और क्षमा की एक खांची मछली समुंदर में से निकाल देने से समुंदर खाली नहीं होता है। एक छोटी सी आशीष मिल गई, हाई स्कूल पास हो गए, अब तो दुआ नहीं करते, नहीं करते, काहे, अभी इंटरवा बाकी है, उसके बाद लिंटरवा भी बाकी है, हाँ बहुत कुछ बाकी है, जब तक जिंदगी के छोर तक आप रहेंगे तब तक बाकी रहे। अब्राहम ने कहा ये नहीं कि हमने आपको खिला पिला दिया, अब विदा हो जाइए, चर्च से ऐसे मत जुड़िए, मैं बार बार आपसे कहता हूं, यहां से जुड़िए, किसी चर्च से जुड़िए, आई डोंट केयर, ये मेरा चर्च नहीं है। लोग हमको धौस देते हैं, आपके चर्च में नहीं आएंगे, मेरा चर्च क्या, किसको धौस दे, हम तो खुद ही यहां के एक सेवक है, हम तो खुद ही अपने प्राण बचाना चाहते हैं, ठीक है, लीडरशिप हमको दी गई है वो हम कर रहे, लेकिन हम सब उस चर्च के मेंबर है, उस दुल्हन के मेंबर है, प्रेज द लॉर्ड, हाँ, वो जो प्रभु लेने आ रहा उसके मेंबर, हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, आपका सिरा ये मेरा ये, क्या कर रहे हैं, इसी चक्कर में हम लोग वो ये मेरा डिब्बा वो तेरा डिब्बा, यही करते करते मालूम है वैशाली निकल गई, कहां गया डिब्बा, रे डिब्बा तो आगे बढ़ गया, तेरा डिब्बा भी छूट गया और मेरा डिब्बा भी छूट गया। नहीं नहीं, सब बेमतलब का काम नहीं, ये चर्चेस की जो राइवलरी है ना, आपका चर्च ये बिल्कुल बेमतलब की बात। अरे फोकस कीजिए, फोकस कीजिए किसी और बात पर, ये दुनिया नाश हो रही है मित्रों, हमारा प्रभु आ रहा है धधकते हुए भट्टे में,
और धतकाया जा रहा है वो नरक की आग। क्या कर रहे, मैंने आपसे बात की थी, धर्मी जन नाश होता है, और किसी को फिक्र नहीं थी, अब्राहम को फिक्र थी, और लिखा है कि वो लोग चले, अब्राहम कहे इतनी जल्दी हम तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं तेरे संग संग चलूंगा। आज थोड़ी देर इस पर बात करते जलेंगे आपसे। आपको याद होगा मैंने बात किया था हनोक के बारे में, हनोक के बारे में जरा आइए थोड़ा पीछे आइए थोड़ा सा, उत्पत्ति किताब और उसका हनोक के बारे में पांचवा अध्याय ना, पांचवा अध्याय 24वीं आयत कौन चले पढ़ेगा, जब माइक दे दीजिएगा भैया। हाँ जी, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लुक एट द ब्लेसिंग ऑफ वॉकिंग विद गॉड। एक आप पढ़िएगा, मैंने इस पर बात की थी, आप वापस जाकर के कभी देख लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा जो हमने हनोक पर बात की। मतलब दुनिया की जीनियोलॉजी, इससे ये पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ, और एक एक हनोक आ गए, उसके अंदर एक लाइन लिखा है वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वाह क्या बात है, एक लाइन में इतनी बड़ी बात, परमेश्वर के साथ साथ चलने में इतनी बड़ी आशीष की परमेश्वर ही उसको उठा ले रहा, क्या बात है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसके साथ चल रहे हैं। देखिए ये रंग कैसा मैच कर रहा, फलाने वाले सीरियल में मैच करा दिए, आज संग चल रहे हैं बिल्कुल, लोग स्टाइल भी उसी तरीके से चलते हैं, सलमान भाई ऐसे चलते हैं तो मैं भी ऐसी संग संग, किसके किसके संग चल रहे हैं, सिर्फ खुदा के संग नहीं चल रहे। तो जिसके संग चलेंगे ना उसी की आशीष आपको मिलेगी, जो संगति आपकी होगी वही आशीष आपको मिलेगी। अभी आप मेरे साथ रहिए, ही इज वॉकिंग विद गॉड। अभी गॉड ने नहीं कहा मेरे साथ चल, लेकिन उसको मालूम था कि इनके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो पा ही जाएंगे हम। हाल कोई है मेरे साथ, नहीं आप मजा नहीं आ रहा, कुछ बोल दीजिए। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अब्राहम को मालूम था कि भैया ये आए हैं, इतनी बड़ी बात कह के गए हैं, अभी इनका खजाना खाली नहीं हुआ है, इनका पर्स अभी तो 500 रुपए का नोट दिया है, अभी बाकी तो भरा हुआ है, अभी तो इनसे लेना, पीछे पीछे लगा हुआ है। ही इज नॉट लीविंग द चर्च, ही इज नॉट लीविंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको कहीं, हम आपके साथ, अभी आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर, मैं आपको आशीष बता रहा हूं, ये कोई घटना और किस्सा नहीं है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ योर एंड माई लाइफ। इफ यू कैन वॉक विद गॉड, अगर आप पर देखिए वॉक का मतलब सोचिए, एक मिनट, आप किसी के साथ नहीं वॉक कर लेते, कोई भी खटका है सर वॉक करेंगे, क्या है दादा तू, मैं कोई भी हूं, मैं चोर हूं, डाकू हूं, मेरे साथ चलेंगे आप, अरे किसी के साथ आप वॉक करेंगे। माताओं मेरी बात सुनिए, माताओं नॉक नॉक, एक लड़का खड़ा है, अपनी बेटी को भेज दीजिएगा थोड़ा वॉक करेंगे, मारे एक लपड़, अरे खाली आंटी जी वॉक करेंगे। देखो खाली वॉक करना, टॉक नहीं कर रहा। अरे किसी के साथ आप हंस रहे हैं, भेज दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को भेज दे रहे हैं, अनजान के साथ भेज दे रहे हैं, कुछ भी लगा करके चैनल पर देख ले रहे हैं, कुछ भी सुन ले रहे हैं, कोई भी दोस्त चूज कर ले रहे हैं, वेयर आर यू, किसी भी, देखिए अनजान के साथ मत भेजिए। और एक और बात बताए, जिस पर ट्रस्ट ना हो, जो धोखेबाज हो उसके साथ तो भेजिए। कई बार आपको देखे होंगे, आप पेपर में पढ़ते होंगे, फलाने का मर्डर होगा, क्या हुआ, लोग उनको घर से बुला करके ले गए और वहीं उनको खत्म कर दिया। परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय आप इंसानों पर भरोसा रख करके उनके साथ चल रहे। संडे को आपको दूसरे के साथ चलने में मजा आता है बनिस्बत खुदा के। दाऊद ने क्या कहा, आई वॉज ग्लैड, मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ हम यहोवा के भवन को उड़े नहीं, तैरे नहीं। कोई है मेरे साथ, द टाइम यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू गो टू द हाउस ऑफ गॉड, जिस वक्त आपने डिसाइड कर लिया कि मुझको चर्च जाना ही जाना है, यू स्टार्ट वॉकिंग विद गॉड। अभी मैं आप घबराइए नहीं, मैं अभी बहुत इस पर थोड़ा वक्त लूंगा, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं कि व्हाट ए वंडरफुल वॉक इट इज टू वॉक विद गॉड। अगर चलना ही है, यहां पर बड़े लोग को याद आते, नेता वेता को याद आते, उनके साथ चलने को मिल जाता तो लोग 500 फोटो खिंचवाते, अरे देखा उनके साथ चलते नहीं, देखा।
नंबर वन, आप किसी अनजान के साथ नहीं चलते हैं, और अगर चल रहे हैं तो अनजाने से हट जाइए। और देखिए संग संग चलने का मतलब जानते क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूं। विनय भाई एक मिनट मेरे साथ आइएगा, वो देखिए वो तो वही है, वो तो बाइबल रखेंगे तो उठेंगे, अंगड़ाई लेंगे, हम वहां पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए, और ये यही है, दैट्स हाउ वी वॉक विद गॉड। गॉड कहां से कहां निकल गया और आप अभी भी वहीं पर, अभी भी कोई है मेरे साथ, थैंक यू। अब्राहम उनके नहीं, वो आचार मिला गए थे, हम संग संग चला, दस बजा नहीं कि हम आपके पास, आप मेरे साथ आइए, आइए, इसको बोलते हैं संग संग चला, कम हियर, अब मेरे साथ चलिएगा बिल्कुल। ये देख, अब दिखाई दे रहा आपको, ये संग संग चलना दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? Are you walking with God like this? God is on your side. बिल्कुल बगल में संग संग चलने की बात हो रही कि अगर फुसफुसा करके भी बोले तो सुनाई दे, हमको गॉड को यहां से चिल्लाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू भैया। आज हमारा पेस मतलब जो कदम होता है, हमारा पेस गॉड के पेस से बिल्कुल मैच ही नहीं करता। हम कहां चल रहे हैं, वो कहां चल रहा है। परमेश्वर का कलाम, ये कलाम इसी के साथ चल रहा है। आप एक वो क्या कोरस गाते हैं, तेरे पीछे पीछे मैं चलूं, बल्कि इसको तो चेंज कर दीजिए, तेरे संग संग मैं चलूंगा चाहे हो कितनी वादी। ट्राई टू वॉक विद गॉड। प्रभु जो आप कहते हैं मैं आपके संग चलने को तैयार हूं। अब मैं विषय चेंज कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं बोलना है, ब्लेसिंग तो इनके पास है, ये बोलेंगे। खुदा ने कहा रे, ये तो साथ आ गया। आइए पढ़ते हैं 18वां अध्याय। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? मैं लुक एट दैट, गॉड इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। यार साथ साथ चल रहा है। सोचिए आप, अगर अब्राहम वहीं तंबू में रह गया होता तो अब्राहम परमेश्वर क्या सोचता है? ही नहीं, वो ही इज नॉट देयर, तो अब्राहम के बारे में सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। बट अब्राहम तंबू में नहीं थे, अब्राहम बगल में थे, और जब बगल में होता है आदमी उसके बारे में सोचता, कोई है मेरे साथ, हालेलुया, उसके बारे में सोचता है। बोला अब्राहम से हम कैसे छिपा दी, मैं ब्लेसिंग की बात कर रहा हूं। वॉकिंग विद गॉड ब्रिंग्स ब्लेसिंग फॉर यू। अगर आप खुदा के कलाम के साथ चलेंगे, भैया सुबह उठते साथ खुदा का कलाम, दोपहर में लंच लेते समय खुदा का कलाम, शाम को चाय नाश्ता के साथ खुदा का कलाम, वॉक विद गॉड, यू विल बी ब्लेस्ड। ऐसी बातों से खुदा आपको ब्लेस करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। अब्राहम ने कभी सोचा नहीं था। खुदा ने कहा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, खुदा ने कहा इससे मैं छिपा रखू, सोदोम को मैं बर्बाद करना चाहता हूं। लंबी कहानी को छोटा कर रहा हूं मैं। खुदा ने सीधे कहा, उसकी चिल्लाहट बढ़ गई है, जब पढ़ दीजिएगा 20वां पद। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है या नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। आगे पढ़ते जाइए थोड़ा सा। तो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। ये देखिए, चलने की आशीष ये है कि आगे खड़ा होने में कोई देर नहीं लगी, क्योंकि वो 3 मील दूर नहीं ना था, वहां से भाग के नहीं आ रहा था, ही वॉज राइट देयर, वो वही था, और इसलिए सीधे सामने खड़ा हो गया। देखिए आपको याद होगा शामुएल जो था, उसको जब परमेश्वर ने पुकारा तो शामुएल उस वक्त कहां था, किस जगह पर था, वो जगह क्या थी, मंदिर थी, और इसीलिए शामुएल को देर नहीं लगी, उसने कहा कि कह कि तेरा दास सुनता है। अभी नहीं, अभी हेडफोन लगाए हुए हैं, अभी फलाने का गाना आ रहा है, अभी नहीं प्रभु जी, अभी नहीं, यू आर नॉट देयर, आप साथ चल ही नहीं रहे तो सामने क्या आएंगे। वो खड़ा हो गया, और जो मैंने प्रीच किया था 2 संडे पहले, धर्मी जन
नाश होता है और किसी को चिंता नहीं। अब देखिए अब्राहम की बात, जी आगे पढ़िए। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? ये देखिए, बोला दुष्ट को तो नाश कर दीजिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धर्मी नाश नहीं होना चाहिए। और यही चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूं। आप दुष्टों की बड़ी चिंता कर रहे हैं, वो ये फलाना ढेकाना, धर्मी की तो कोई चिंता ही नहीं कर रहा। अन्य जातियों के लिए जान दिए हुए, सबको दुनिया को बचा लीजिए, क्या कर रहे हैं? उसने सदोम के बारे में कहा दुष्टों को तो आप नाश कर ही रहे, करिए। और अब्राहम को सदोम और अमोरा के बारे में खूब मालूम था, क्योंकि उसका भतीजा वहां रहता था, उसको वहां की बुराई मालूम था, वहां का पाप मालूम था। उसने कहा यस डिस्ट्रॉय देम, लेकिन धर्मी को नहीं, धर्मी को नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बजाय सदोम की बुराई, अरे ये प्रधानमंत्री ऐसे और मुख्यमंत्री ऐसे और ये मंत्री ऐसे, वो इनकी बुराई गिनाने की बजाय आप ये देखिए कि धर्मी कैसे बचाए जा सके। हम लोग दुनिया की नुक्ता चीनी करें, वो चर्च ठीक नहीं, वो पादरी ठीक नहीं, वो ये फॉरगेट इट, देयर इज ए बिगर प्रॉब्लम हियर। उन अधर्मियों के चक्कर में धर्मी नाश हो रहे हैं। और अब्राहम ने कहा सर हम अधर्मियों के लिए नहीं प्ली कर रहे हैं, हम धर्मियों के लिए प्ली कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए, बिकॉज ही केयर्ड फॉर लॉट। उसको लूत की फिक्र थी। और आज जो हम आपको कलाम देते हैं, जो मैं कलाम तैयार करता हूं, मैं किसी अन्य जाति के लिए नहीं तैयार करता हूं, जिनको जो कहना वो कह ले, मैं उनके लिए प्रचार ही नहीं करता हूं, मैं प्रचार करता हूं धर्मी नाश नहीं होने चाहिए। उन दुष्टों के चक्कर में हमारे धर्मी नाश हो रहे, हम उन्हीं के लिए प्रचार किए जा रहे, उन्हीं को बचाए जा रहे हैं, और धर्मी लोग बैठ करके टुकुर टुकुर ताक रहे, उनको रोटी मिली नहीं रही है, कुत्तों को रोटी दी जा रही है और बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। आज बच्चों को भोजन चाहिए, इतना भोजन चाहिए कि बच्चे हृष्टपुष्ट होकर के किसी के लिए मां बाप बन जाए। इब्राहिम की प्रार्थना, उसका तरीका, उसने कारण दिया, और किस तरीके से खुदावंद से उसने बात की। देखिए इब्राहिम की सब बात, अभी तक जो उसने कई एक काम किए वो बहुत अच्छे नहीं थे, एंड इब्राहिम वॉज लर्निंग हाउ टू वॉक विद गॉड। और कई बार हम लोग की बहुत सी प्रार्थनाएं फेल हो जाती हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हम खुदा के साथ कैसे चले। मगर इसका मतलब नहीं कि आप उस पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। अब्राहम ने बहुत गलत स्टाइल से स्टार्ट किया, बोला 50 लोग होंगे तो छोड़ देंगे। अब्राहम को खूब मालूम था कि 50 नहीं है वहां, खूब मालूम। अब्राहम जाता ही रहता होगा सदोम वगैरह, पास में ही था, उसका भतीजा था, रिश्तेदारी खानदानी थी, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, इसकी एनिवर्सरी फलाने का, उसको खूब मालूम था कि कितने लोग हैं वहां पर। ये जो कभी कभी हम लोग की सूखी फुटानी जिसको बोलते हैं ना, अरे मैंने तो इतना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा नाम पास्टर जी नहीं पढ़े, मेरे को सराहे नहीं, क्या कर रहे? गलत तरीके से आप परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें। आप ना लिखा है कि हमारे अच्छे काम भी उसके सामने मैले। किस 50 की बात कर रहे हो अब्राहम? तुमको खूब मालूम है कि 50 नहीं है वहां। परमेश्वर से तुम समझाओगे, तुमको भी मालूम है, हमको भी मालूम। उसके कोई है मेरे साथ? लिखा है कि परमेश्वर के सामने जब आइए तो नम्र और दीन होकर के आइए, अपने को खाली करके आइए, क्योंकि वो आपकी कमजोरी में, आप तो मत बनिए उसके सामने बहुत तो पाए। 50 धर्मी हम कर लेंगे, हाँ बुला लेंगे, हम धर्मी बनाएंगे, आप पैसा देकर के धर्मी बनाएंगे। फिर 50 से घटाने लगे, परमेश्वर से बार्गेन करने लगे। हम लोग जो है वो परमेश्वर से बार्गेन, अच्छा ये वाला पास कर दिए ना, अच्छा एक तो बाइबल पढ़ देंगे तो वाला पास कर देंगे ना, एक तो दुआ कर देंगे और चर्च में आज का दान दे देंगे तो ये कर देंगे ना। वी बार्गेन विद गॉड, क्या कर रहे हैं? अरे वो मेरा चरवाहा है, उससे बार्गेन करने की जरूरत नहीं है। भेड़ जाके चरवाहे के पास दे कहती है, अच्छा हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमको घास दोगे ना, अच्छा हम अपना दूध मिलाए। भेड़ जाकर के उसके सामने ऐसे नहीं करती, ता 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 ता, भेड़ भेड़ है, कहेगी आपके आपकी भेड़ है, आप खिलाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, तो आप ही तो चरवाहा सिर्फ खत्म हो जाएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, हमको नाचने गाने कूदने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये बार्गेनिंग बंद कीजिए परमेश्वर से। और आज मसीह समाज इसी में फंसा हुआ, अन्य जातियों की नाई हम लोग बकबक करते,
अन्य जातियों के समान हम उसी स्टाइल को करना चाहते, वो हम पास हुए तो लाके चढ़ावा चढ़ा दी, क्या कर रही? और जिस दिन फेल हो जाएगी तो चढ़ावा ले जाएंगे कहा यहां से? 5000 वो जो लड्डू लाए थे उसको दे दीजिए हमको, क्या हुआ? फेल हो गए। बार्गेनिंग मत कीजिए कि ये करेंगे तो वो करेंगे। अरे उसने आपके लिए ऐसी जान दी है मित्रों कि उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। हालेलुया। उसने जो अपना अनुग्रह आपको दिखाया है, इट इज अनमेरिटेड फेवर। उसने आपके घटियापन पर, आपकी कमजोरी पर उसने अपनी ताकत दिखाई है। 12 साल से सब माल उसने व्यय कर दिया था, एक कौड़ी नहीं थी यीशु मसीह को देने के लिए, मगर उसके दामन ने कहा बढ़िया ही चली आई छूने के लिए, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। दामन थोड़ी बोला छुओ छुओ छुओ, 100 रुपया दोगी तभी छूने देंगे। हाँ रसीद कटवाई रसीद कटवाई हो, फॉर्म भरी हो, ये कोई है मेरे साथ? उसका दामन आज भी मौजूद है। खुद जो माल आपको व्यय करना है कर लीजिए, आपका लिखा हुआ है कि सेत में तुमको दिया गया है, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली यू गिव। प्रभु तेरा धन्यवाद हो उस लहू के लिए जिसके लिए आपने कोई पैसे नहीं मांगे, कोई रुपए नहीं मांगे, कोई सोना और चांदी नहीं मांगा, सिर्फ आपने मेरा भरोसा मांगा, मेरा विश्वास मांगा, और मैं आप पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद। चालीस, 30, 35, प्रभु को हम लोग गिनती सिखाते, प्रभु को हम लोग गिनती सिखाते। मत करिए प्लीज, मत करिए, डोंट डेयर गॉड। प्रभु को मत समझाइए हम आज चर्च नहीं आ पाए थे, ये कारण था वो कारण था, किसको समझा रहे? प्रभु को समझाइए, लाइक ही डजंट नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। आप अपने विवेक को सजग रखे। लिखा है कि बहुत से लोगों ने अपने विवेक को जलते हुए गर्म लोहे से दाग दिया। जानते जब आप गर्म लोहे से दाग देते हैं तो कोई सेंसेशन नहीं होता है, कुछ वहां संचार नहीं होता है, आपके हृदय छिदते नहीं है वचन सुन करके। और बार्गेनिंग पर बार्गेनिंग, और प्रभु भी इतना दयालु, इतना इतना विलंब, लिखा है कि वो विलंब से कोप करता, मतलब उसका कोप जो है ना बड़ा लेट होता है। और यहां पर अब्राहम 30, 35, ये वो दुनिया पढ़िएगा वो कहानियां। खुदा ने कहा क्या कर रहे हो, तुमको भी मालूम है कितने हैं वहां, लेकिन एक बात तय है अब्राहम, एक भी खोई रहेगी। तुम 50 के चक्कर में थे ना, तुम अपने आप को बहुत तोप समझ रहे थे, मैं दया का सागर और क्षमा की खानी हूं, मैं 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने चला जाऊंगा। घबराओ नहीं, तुम्हारा भतीजा लूत नाश नहीं होगा। चारे जन है वो लोग, चार ही जन थे, तुम तो चार का नाम ही नहीं लिए, तुम तो 10 पर आकर के लगे बिलबिलाने, सोचे कि अब कहां से धार्मिकता ले गए। बोले तुम्हारी धार्मिकता नहीं है लूत अब्राहम, ये मेरा अनुग्रह, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने तुमसे बढ़ करके प्रेम किया है, ये तुम्हारी काबिलियत और खूबी नहीं है, तुम्हारे तो अच्छे काम भी मैले और चिथड़ों के समान है। एक काम करो, बस दया कह दो कि प्रभु दया करना, मैं दया का सागर और क्षमा की खानी हूं। चार भी मिलेंगे, सदोम तो नाश होगा मगर धर्मी नाश नहीं। आप खुश नहीं है कि आप जिस सदोम में रहते हैं खुदावन उनको नाश तो करेगा, उसी धधकते हुए गंधक की आग से वही नाश हो गए, मगर चार जन आगे जाके 3 ही जन उस सदोम से बाहर निकल गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु है। उसके सामने बड़े हियाव से आइए, उसके संग संग चलिए। सोचिए अभी तक सदोम और अमोरा इतना अपने सक्सेस में, इतनी टेक्नोलॉजी और ये वो, कुछ मालूम नहीं कि कैसे नाश हो रहे हैं, मालूम था केवल एक जन को जो उसके संग संग चल रहा था। आई मीन जस्ट इमेजिन अ डिस्ट्रक्शन दैट बिग, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन था मित्रों कि आज भी जो वहां पर मृतक सागर है, आज भी वो मृतक सागर मृतक ही सागर है। मैं तो वहां गया, उसका पानी किसी का पानी, किसी का पानी वाला डीजल है, क्या है इतना खारा, इतना गंधक उसके अंदर। आज तक परमेश्वर का वो कोप है, किसी को नहीं मालूम। पूरा सदोम और अमोरा अभी भी पाप में भरा फंसा हुआ, अभी भी चिल्ला रहा, अभी भी दुनिया के वहां गंदे काम हो रहे हैं। केवल एक व्यक्ति को मालूम था जो परमेश्वर के संग 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 चलता था।
दुनिया पर विपत्ति आएगी, आने वाली है, ये प्रेडिक्शन वो प्रेडिक्शन, ऐसा होगा वो होगा, किसी को नहीं मालूम, केवल उनको मालूम है जो परमेश्वर के संग संग, और परमेश्वर के संग चलना ये परमेश्वर का वचन है। मेक श्योर दैट दिस वर्ड नेवर गेट्स आउट, भर लीजिए मित्रों, इतना भर लीजिए परमेश्वर के वचन। और मैंने कहा ना कि आपको अब कब का आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तंबू में बैठे हुए हैं, अभी भी एंटरटेन किए जा रहे हैं, अभी भी वो पुरानी रवायात, पुरानी रीत रिवाज। अरे मसीह की मंडी, खासकर गोरखपुर की मंडी को तो कहां से कहां निकल जाना चाहिए। अभी तक हमको समय बताना पड़ता, अभी तक टाइम बोलना पड़ता, अभी तक रिक्वेस्ट करना पड़ता। अरे आपको तो खुदा के संग, आप क्या पादी साहब, आप क्या बोलेंगे, हम तो खुदा के संग चल रहे हैं। आप हमको 10 बजे और 9 बजे मत बताइए, जब खुदा यहां होगा हम यहां मौजूद होंगे, क्योंकि हम उसके संग संग चल रहे हैं। द टाइम गॉड इज हियर, आई एम ऑलरेडी हियर। खुदा के कलाम को बहुत महत्व दीजिएगा, उसी कलाम की वजह से सदोम और अमोरा की भविष्यवाणी, इतनी गंभीर, इतनी रहस्य वाली बात, परमेश्वर ने कहा मैं कैसे छिपा लूं अपने बंदे से, ये मेरे साथ साथ चल रहा है। और खुदावंत आपको ऐसे ऐसे रहस्य देगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा। लिखा हुआ कि मैं तुमको गड़ा हुआ खजाना दूंगा। गड़ा हुआ खजाना का मतलब नहीं कि फलाने वाले पहाड़ी पर जाओ, उसका बैठो, दुर्ग है वहां पर, उसको खोदोगे तो खजाना मिले। खजाना, खजाना, गड़ा हुआ खजाना जी, द वर्ड ऑफ गॉड, यही वर्ड ऑफ गॉड। लिखा उसने अपना वचन भेज करके चंगा किया। आपको कोई चंगा करने वाला नहीं चाहिए, परमेश्वर अपना वचन भेज करके आपको चंगाई देगा, आपको आशीष देगा, उसके संग संग चलिए। हालेलुया।